Are you the one who have just cleared your class 12th or you're the one who is into the graduation or you are the one who have just cleared your graduation and now wanting to make a career in the area of finance finance and accounting and i would say precisely management accounting or you're the one who is already into the job but is not getting the relevant growth and now looking for a qualification that can really fuel yourself fuel your growth to really go to a very different height If yes, then save this video and watch till the end, because आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्वालिफिकेशन की जो बहुत सारे बच्चों को फ्यूल कर रही है इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ इन दरिया ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैं बात कर रहा हूं US CMA की सबसे पहले हम समझते हैं CMA होता क्या है यहां सीएमए का मतलब है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट अरे सर ये तो मैंने सुना हुआ है इंडिया में भी तो हमारी इंडिया की सीएमए होती है बिल्कुल ठीक पर मैं आज बात कर रहा हूँ यूएस सीएमए की बिकॉज आप यूएस सीएमए भी इंडिया में बैठ के ही कर सकते हो और इंडिया में ही इसकी इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं सीएमए की क्वालिफिकेशन या डेजिग्नेशन आपको मिलती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू और ये आपकी डेजिग्नेशन बन जाती है जिससे आप अपने नाम के साथ भी जोड़ सकते हो जैसे हम कहते हैं सी ए पंकज ढीगरा जैसे हम कहते हैं सी पी ए पंकज ढींगरा अगर आप सी एम ए बन जाते हो तो आप अपने नाम के आगे सी एम ए लगा पाओगे और क्योंकि ये यूएस की क्वालिफिकेशन है तो इसकी रिकग्नीशन ग्लोबल है बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्लोबली इस क्वालिफिकेशन की इंक्लूडिंग इंडिया जहां आप बहुत सारी जॉब यहां रहते हुए अच्छे से अच्छी कंपनी में पा सकते हो अच्छा आप बात करते हैं कि मैं किस तरह की जॉब कर सकता हूँ सी ए में क्वालिफाई करने के बाद मैं काम कर सकता हूँ कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जिसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस भी कहते हैं मैं काम कर सकता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस डोमेन में मैं काम कर सकता हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस एट लार्ज में बहुत सारे अवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं बिकॉज अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको बहुत सारा कंटेंट देती है और अभी हम कंटेंट के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर है क्या अगर वो इतना सारा कंटेंट देती है और जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन है तो आपकी वैल्यू तो मल्टीफोल्ड जरूर से बढ़ जाती है अब हम बात करते हैं यू एस के कोर्स स्ट्रक्चर की इसके ना दो पार्ट होते हैं पार्ट वन और पार्ट टू इफेक्टिवली दो एग्जाम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं यू एस सी ए में पार्ट वन यू एस सी ए में पार्ट टू और दोनों पार्ट्स के अंदर ना छः मॉड्यूल्स होते हैं जो बहुत ही इंडस्ट्री रेलिवेंट हैं जब आप इसके कॉन्टेंट देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होती हैं नीडिड होती हैं इसीलिए जो इस कोर्स को कर लेता है उसकी डिमांड इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ जाती है ये दो पार्ट हैं क्या पहला पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स और दूसरा पार्ट है स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिवली हम कॉस्टिंग एंड एनालिसिस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट लार्ज स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिटेल में पढ़ते हैं और ये दोनों चीज़ों की बहुत नीड रहती है इंडस्ट्री में इसीलिए इस यू एस की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है इन सब कॉरपोरेट्स में जहाँ उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए और द बेस्ट पीस अबाउट यू एस सी एम इज़ कि दोनों पार्ट इफेक्टिवली आप छः से नौ महीने में ईजिली क्लियर कर सकते हो सर ये तो बहुत आसान हो गया एज कंपेयर टू इंडियन सी एम इसको क्लियर करना तो बहुत आसान नहीं हो गया बिल्कुल हो गया एक क्योंकि यहाँ सिर्फ दो एग्जाम देने और वो दो एग्जाम में छः से नौ महीने में क्लियर करके आगे बढ़ चल सकता हूँ अब आते हैं यू एस सी एम में कर कौन सकता है यू एस सी एम है ना बहुत ईज आउट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ यू बिंग क्वालिफाइंग फॉर इट इसीलिए ना जो टेन प्लस टू क्वालिफाइड्स है ना चाहे वो किसी भी फील्ड से हो दे आर एलिजिबल टू सिट फॉर द यू एस सी एम एग्जाम बट आपको जो आई एम क्वालिफिकेशन देता है जो डिग्री देता है ऑफ सी एम में वो तभी मिलती है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो और आपके पास कम से कम दो साल का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होता है इन द एरिया ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो कि बहुत आसान है और इस एक्सपीरियंस को आप पहले भी ले सकते हो और बाद में भी ले सकते हो आपको इफेक्टिवली सात साल और मिलते हैं आफ्टर यू क्वालिफाई हैव दिस रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसीलिए ना इस क्वालिफिकेशन को अचीव करना आसान हो जाता है बिकॉज ये इतना फ्लेक्सीबिलिटी देता है एक तो पेपर ही दो हैं एक, एक करके दे सकता हूं मैं और दूसरा मेरे को इतना टाइम मिल जाता है टू कॉर्स बिकमिंग ए ग्रेजुएट एंड ऑफकोर्स गेट माई रेलिवेंट एक्सपीरियंस और मैं एक्सपीरियंस कुछ भी ले लूँ मेरा इसके लिए रेलिवेंट हो जाएगा एटलीस्ट अगर वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फील्ड से है कहीं से भी ले लूंगा तो वह रेलिवेंट हो जाएगा इसीलिए यह बहुत ईज आउट हो जाता है ऑन द स्टूडेंट एंड द बेस्ट पीस क्योंकि ये छः से आठ महीने में हो सकता है और कॉन्टेंट इतना टफ नहीं है तो आप अपनी जॉब या अपने कॉलेज इसके साथ इसको इजीली मैनेज कर सकते हो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं और आज काफ़ी अच्छे कॉरपोरेट्स में आपको बैठे हुए मिलेंगे अब हम बात करते हैं कि सर ये क्वालिफ़िकेशन हमें क्यों करनी चाहिए अरे भाई अगर ऐसी कोई क्वालिफिकेशन हो जहाँ सिर्फ दो ही एग्ज़ाम हो जो छः से नौ महीने में आपके हो सकते हो और उन एग्जाम्स को करने के लिए मेरी सिर्फ टेन प्लस टू की एलिजिबिलिटी हो तो क्या ये बहुत ईज आउट नहीं हो जाएगा मेरे लिए बिल्कुल हो जाएगा और इसी कारण से ना इसको बहुत सारे स्टूडेंट चुनते भी हैं और इसमें आगे बढ़कर बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जॉब भी पा लेते हैं अगर मैं इफेक्टिवली बात करूँ इसकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी की आपको जो क्वालिफाई करने के बाद मिल सकती है तो वो है इफ़ेक्टिवली फाइव टू एट लाख से सच पाँच से आठ लाख की जॉब बहुत सारे स्टूडेंट पा लेते हैं जहां वो क्वालिफाई कर लेते हैं ऑफ कोर्स बेसिस जो उनका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है कंपनी उन्हें प्लेस करती है एट डिफरेंट लेवल जो करंट वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस क्वालिफिकेशन को करते हैं उनकी सैलरी में भी अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट का अप आ जाता है बिकॉज ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो उनका कॉरपोरेट भी रिकग्नाइज करता है अब हम बात करते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होगी और आपके लिए क्या शायद आपके पेरेंट्स के लिए भी रेलिवेंट होगी वो है यू की फीस कितनी है यू में दो तरह की फीस आपको देनी पड़ती है पहले आपको देना पड़ता है फ़ीस जो आईएमए को जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ यूएस को जाती है ऑफ कोर्स वो तो गवर्निंग बॉडी है वो आपसे रजिस्ट्रेशन भी लेगी आपसे एग्जामिनेशन फीस भी लेगी एटसेट्रा एटसेट्रा और ये फीस आपको डॉलर में पे करनी होती है बट द बेस्ट बेनिफिट दट यू हैव ओपन इज सिंस यू आर कमिंग टू फिन फिट्राम वुड बी एबल्ड टू गिव यू एटलीस्ट फोर्टी परसेंट डिस्काउंट ऑन दीज आई एम एस बिकॉज हम ये बेनिफिट अपने हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं दूसरी जो आपको फीस देनी होती है वो देनी होती है फिट्राम ग्लोबल को अपनी तैयारी कराने की प्रिपरेशन कराने की फॉर यू टू रियली सेट फॉर द यू एस सी एम ए एग्जाम पार्ट वन और पार्ट टू के जो आपको एग्जाम देने हैं इस तैयारी में फिनट्राम वुड be प्रोवाइडिंग यू वेरियस थिंग्स हम आपको लाइव सेशंस देने वाले हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देने वाले हैं हम आपको बुक्स भी देने वाले हैं हम आपको ओवरऑल कंटेंट भी देंगे चाहे वो जूस नोट्स हों हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिवीजन बोर्ड कैंप्स मॉक एग्जाम्स आपके मॉक एग्जाम्स पे रिव्यू आपको बताना कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स दी Plethora of practice questions that you would get in terms of really understanding as to how these exams really work. This is the mantra. This is what you would need to clear your exam in the best possible way. So, guys, if you're really serious about making your career in finance, if you're really thinking about really touching up the sky in the area of finance and accounting, USCMA is a qualification to have. एंड गेस वॉट बॉस छ से नौ महीने में मिल जाएगा तो क्यों नहीं ये मैं जर्नी अभी शुरू करूं अभी के अभी रीच आउट हुआस एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन योर सी एम ए जर्नी